थर्टीन की जाते आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं बड़े परेशान होते हैं पस पेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है अचानक उनको ऐसा लगने लगता है उस उम्र के जो हॉर्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं क्योंकि उनको जिस तरह की आज़ादी चाहिए पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है तो पेरेंट्स रोकते हैं समझाते हैं फ़ोन का यूज़ कम करो इंटरनेट कम करो तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है अच्छे दोस्त रखो ये करो वो सब करते हैं उनकी मजबूरी है उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आज़ादी चाहता हूँ यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं पता नहीं ये डिज़र्व नहीं करते मुझे दे डोंट डिज़र्व ए चाइल्ड लाइक मी फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना छिपाना हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूँ मैं एक दो परसेंट बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोली बोले रहते हैं कुछ ज़्यादा शातिर हो जाते हैं इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ पाएंगे इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके और ये जो उम्र है थर्टीन से नाइनटीन जो गैंग एज है ये जो दोस्त हैं इनका असर इतना ज़्यादा होता है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है हर गैंग में चार पांच लोग होते हैं उनमें से एक मुखिया होता है उनका गैंग का नेता होता है जो थोड़ा सा एग्रेसिव है डोमिनेटिंग है असर्टिव है वो फैसले करता है सबके लिए आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा इसी पे सो समझेंगे उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे तो बाकी चार फॉलोवर्स होते हैं वो चलते हैं जी जी चलो 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 इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इतनी ज्यादा है कि वो दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देता है वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूं जो मैं कहूंगा वही होगा और जो बाकी चार भेड़ बकरियां हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है एसर्टिव नहीं है सबमिसिव हैं दब्बो हैं डरपोक हैं वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं और ये जो तो चार है ना इन पे खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है वो हैबिचुअल है, है कई चीजों का और वो इन चारों को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे पूछ नहीं रहा है बता रहा है अब इन चार में से एक के मन में कि ना करूं मम्मी ने उसको हजार बार समझाया कि बेटा ये मत करना वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है घबराहट हो रही है उसको बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना कैट की तरह से बोलना उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया ये देखो मम्मी का बच्चा ये देखो मम्मी का बच्चा इसको दुद्धू पिलाओ दुद्ध पिलाओ उसको बच्चा है बच्चा है ये तो बड़ा ही नहीं हुआ ये तो मर्द ही नहीं बना अब तक हम तो मर्द हैं हम तो बड़े हैं हम तो ग्रोन अप हैं इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा एकदम घबरा जाएगा तीन लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता अरे कुछ नहीं होता आजा, 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 अरे कुछ नहीं होता कर ले ट्राई हम भी तो कर रहे हैं कर ले ट्राई और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है वापसी का रास्ता नहीं इस प्रेशर को बोलते पीयर ग्रुप प्रेशर दोस्तों का प्रेशर